हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आप लोग को कोई भी आइकन या ऐप को हाइलाइटेड कैसे करते हैं, कोई भी वर्ड को, तो चलिए मैं इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद। चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करते ही सर्च बार में लिखना है ड्रॉ एनीवेयर से लिख के इसे इंस्टॉल करना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल था, ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर देना है। और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये पेंसिल का आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा रखता हूँ। चलिए पेंसिल का आइकन पे क्लिक करते हैं, बैक करते हैं। पहले पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं, पेंसिल के आइकन पर क्लिक किया, साइड में देखिए प्लस का आइकन आ रहा है। प्लस का आइकन पर क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हैं ऊपर में है क्लियर कलर पिकर, इसके बाद इराइजर शेप साइज क्लियर से यहाँ से सीधा क्लियर कर सकते हैं इसको। इसके बाद फिर प्लस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से कलर पे जाइए, अब कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ करके इसे चूज पे क्लिक कर देना है, साइड में चूज हो गया कलर। इसके बाद इराइजर से इराइज कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। इसके बाद शेप, अब पेन लाइन रेक्टेंगल और सर्किल, आप कोई भी यहाँ से शेप ले सकते हैं। मैं ये शेप सेलेक्ट किया हूँ, देखिए बड़े बड़े क्रिएटर को इस तरह से कोई भी चीज़ को हाइलाइटेड करके बताते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अगर यूट्यूबर वीडियो डालते हैं, इस तरह से आप हाइलाइटेड कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। इस तरह से अदर भी शेप ले सकते हैं यहाँ से, मैं ये ले रहा हूँ गोला वाला, देख सकते हैं। इसके बाद साइज, यहाँ से साइज छोटा बड़ा कर सकते, देखिए गाढ़ा बता रहा दिख रहा इस तरह से। इसके बाद कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये कलर चूज कर रहा हूँ इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से कोई भी चीज़ को, जैसे गैलरी को हाइलाइटेड करना है इस तरह से कर सकते हैं। ये वाला शेप हैं, इसके बाद दिखाते हैं इस तरह से कोई भी चीज़ को आप हाइलाइट करना, जैसे पिक्सल लैब हाइलाइटेड करना है तो इस तरह से कर देना है। इसके बाद बैक आ जाना। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, वंदे मातरम।